में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो गए। एक बार दोबारा से मैं बाबा माँ को हृदय से धन्यवाद बोलना चाहूँगी गुरुदेव। खुश हो गए। क्योंकि उनकी वजह से आज हमारा नौ हवन के बाद वनडे भी कंप्लीट हुआ और डॉक्टर ने अभी 9 तारीख को गुरुदेव मेरा सर्जरी हुआ है जिसमें कि उन्होंने लार्ज उसको रेक्टल एप्सिस बताया था और हुआ नहीं है सॉरी गुरुदेव मतलब कि चेकअप हुआ है और उन्होंने सर्जरी बताया और बाबा माँ की कृपा से गुरुदेव 9 को हमारा ये मतलब चेकअप हुआ और 10 को मैं यहाँ पे ये शिव जी का वो हो रहा था रुद्राभिषेक मैं देख रही थी अचानक से मुझे पेन उठा और वहाँ पे एक सिस्ट बनी हुई थी उसमें से जितना तेज पेन था उसी सेकेंड्स में बाबा माँ की कृपा से उससे एक स्टोन निकला और मुझे तब नहीं पता चला अचानक से थोड़ा सा चक्कर सा महसूस हुआ मैंने मम्मी तेज से आवाज़ दिया और उसमें से एक स्टोन निकला और जब उसे देखा तो मेरा दर्द थोड़ी देर था उसके बाद मुझे एकदम रिलीफ मिल गया और मैं सो भी गई और फिर गुरुदेव उसमें मतलब पस आ रहा था अभी भी थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है वो आप गुरु जी देख लीजिए और एक बार आँखें बंद करो गेट से ना प्रवेश बचा हुआ सारा संक्रमण खा जाए नोच नोच के खा जाए बचे नहीं वापस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय 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 बंधन खींचो अपना बहुत असाध्य रोग से निकले हो जी गुरुदेव क्या नाम लिखते बेटा अपना जी श्वेता यादव सॉरी श्वेता यादव श्वेता जी गुरुदेव ये एक महाहवन भी कर लेना अच्छा जी तुमको दिया है ताकि असाध्य रोग कभी ना डेवलप हो जी, ये महाहवन है दरबार की ओर से निःशुल्क है एक दिवसीय है ओके। ये कर लेना ठीक है चिंता मत करो बहुत तेजी से हो गया नहीं सब काट पीट भयंकर करनी पड़ती जी गुरुदेव मैं 1 मिनट और लेना चाहूँगी बस 1 मिनट एक मिनट ऐसा था जी बहुत गुरु जी एक बार मेरा पहले सर्जरी हो चुका है इसका बहुत भयंकर हुई थी और बाबा माँ की कृपा से वो एक दिन में उन्होंने सब निकाल दिया बहुत बहुत धन्यवाद पुनः से जब स्मृति जाती है तो फिर दोबारा नहीं रिपीट होता है नहीं तो बार बार रिपीट होगा जी जी अब जैसे आप हाथ रख के देखिए आप चेक करिए जैसे सर्जरी जहाँ हुई हाथ रखिए है ना आपको यही नहीं महसूस होगा कि वहाँ कोई कभी सर्जरी भी आपको हुई महसूस ही नहीं होगा कभी जी गुरुदेव और गुरुदेव ये सब मैं जहाँ तक जानती हूँ कि मुझे बाबा माँ की कृपा से यहाँ पे सेवा का अवसर मिला गुरुजी के बर्थडे में भी बाबा जी के बर्थडे में और गुरु पूर्णिमा में उसी का फल स्वरूप ये गुप्त रोग सामने आया सही बात आपका भोग कट के निकल गया जी गुरुदेव खुश हो लेपन करना अच्छा ये भी बच गए इनको एंक्लोजिंग हो रहा था सब अकलन जकड़न बुरी तरह से अकड़ जकड़ रहे थे वो असाध्य रोग था वो भी एंक्लोजिंग स्पॉन्डलाइटिस दुनिया का असाध्य रोग है संसार में दवा नहीं बनी अभी उसकी स्मृति चली गई इसलिए समाप्त हो गई और गुरुदेव एक और खुशखबरी है कि मैं बीएड कर रही थी बीच में मेरा ऐसा स्मृति बना कि मैं छोड़ने वाली थी ड्रॉप करने वाली थी लेकिन मैंने किया और उसमें मेरा टॉप 3 में कॉलेज में नाम भी आया अच्छे परसेंटेज से और ये उसके लिए गुरुदेव मैं देना चाहूँगा वो तुम्हारी स्मृति नहीं थी जी गुरुदेव वो तुम्हारी स्मृति नहीं थी किसी और की स्मृति थी जो तुम्हें तंग कर रही थी घुमा रही थी दर्जन नष्ट हो गई खुश हो बेटा खूब प्रसन्न खूब खुश रहिए प्रसन्न रहिए स्वस्थ रहिए खूब खुश खुश हरी हरी